तो किसी ने कमेंट किया था, तेरे को शर्म नहीं आ रही पति कहते हुए? क्यों आएगी उसको शर्म? तेरे को क्यों नहीं आ रही शर्म ऐसे कमेंट करते हुए? हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी एकदम से बढ़िया हूँ। तो चलिए जी, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरी छोटी मोटी वीडियो में देवभूमि उत्तराखंड से। सबसे पहले आप सभी देखने वाले बड़े लोगों को मेरा प्यार मेरा पहलाव और छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। आज की मेरी ये छोटी मोटी वीडियो ना भागीरथी दीदी और बिष्ट भैया के लिए है। अभी मैं इस टाइम हूँ किचन में और दोपहर का लंच बनाने का इंतजाम कर रही हूँ। तो गाइज, मैं ये वीडियो को बनाना चाह रही थी, एक दो दिन से मैं बिजी थी और थोड़ा बहुत स्वास्थ्य भी ढीला ढाला था, जुकाम जैसा लगा था। 7 मार्च को ना बिष्ट भैया ने एक वीडियो अपलोड की थी जो आप सभी लोगों ने देखा, तो उसी वीडियो को लेके मैं एक वीडियो बनाना चाह रही थी उनके ऊपर, तो मेरे को टाइम नहीं मिला, ये वीडियो मैं इसलिए आज बना रही हूँ। अगर आप दोनों मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप दोनों को मेरा प्यार मेरा पहलाव। इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए मैं अपनी वीडियो को कंटिन्यू करती हूँ। किसी का चैनल हैक हुआ और लोगों ने बिष्ट भैया और भागीरथी दीदी का खूब जम के फायदा उठाया है, खूब जम के ना। अब कोई लोग कहेंगे आप भी तो फायदा उठा रहे हो, आप भी तो थंबनेल लगा रहे हो। हाँ मैं लगा रही हूँ, लेकिन गलत रीजन पे, गलत जैसा तैसा मुंह में आए, जैसा मेरा मन में आए, मैं ये तो नहीं लिख रही हूँ ना थंबनेल में। अगर आप लोगों को भागीरथी दीदी पे वीडियो बनानी ही है, अगर उनके थंबनेल लगा के उनके उनके ऊपर वीडियो बना के अगर आपके व्यूज आ रहे हैं तो अच्छी बात है, सभी बना रहे हैं, लेकिन अच्छे टॉपिक पे आप थंबनेल बना सकते हो, टाइटल डाल सकते हो। ये नहीं कि आपके मुंह में जो आए आप वैसे ही टाइटल डाल दे रहे हो वहाँ पे भागीरथी दीदी और बिष्ट भैया के लिए, ये चीजें मुझे बहुत गलत लगी। तो वैसे भी आप लोग बोलते हो आप उनकी चमची है, तो चमची का तो इतना हक तो बनता ही है ना कि बोलने का मेरे को अच्छा नहीं लगता है यहाँ पे। हाँ आप कह रहे होंगे कि आप भी बनाते हो, मैं भी बनाती हूँ उनके ऊपर वीडियो, लेकिन मैंने कभी गलत वर्ड यूज नहीं किए, कभी गलत टाइटल नहीं डाला मैंने उनके लिए, जहाँ तक वो अच्छा टाइटल डालना चाहिए। और दूसरी बात, 7 मार्च को जो वीडियो अपलोड हुई थी उसमें भागीरथी दीदी ने बोला कि बिष्ट भैया बर्तन धो रहे थे, उन्होंने कहा क्या कहते हैं, आज मेरी थोड़ी बहुत तबीयत खराब है तो बिष्ट जी मेरी इतनी हेल्प कर रहे हैं, देखो आपकी भी हस्बैंड करते हैं, ऐसा करके उन्होंने कहा। तो उसमें बहुत सारे लोगों के कमेंट आए जो मैंने पढ़े, मेरे को बहुत बुरा लगा, अच्छा नहीं लगा, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। उसमें जो कमेंट आए कि देख भाई तू अभी बर्तन ही धो रहा है, अभी तेरे को क्या क्या करना पड़ेगा, है ना। कोई कह रहा था कि तेरे को शर्म नहीं आ रही है इसको पति बोलते हुए, है? ये गलत बात है। आप लोग से अगर आपको उनकी वीडियो अच्छी नहीं लगती हो तो मत देखो, अच्छा नहीं लिख सकते हो कमेंट में तो बुरा भी मत लिखो। क्या जब घर में बीवी की तबीयत थोड़ी बहुत खराब होती है क्या पति हेल्प नहीं कर सकता है? क्या किसी के हस्बैंड, आप जो भी मेरी वीडियो दी आपके हस्बैंड हेल्प नहीं करते घर में? मैं ये नहीं कह रही हूँ, आपने कहा जिसने कमेंट किया है मैं उसकी बात आप तक पहुंचा रही हूँ, आपको भी पता है, आपने भी कमेंट पढ़े होंगे, लेकिन अब चमची हूँ तो इतना तो मेरा बनता ही है, मैं उनके जो भी गलत कमेंट है, जो भी उनके ऊपर गलत बोलता है, मैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि एक चमचे को ये चीज़ें सब बर्दाश्त नहीं होती है। आप लोग बोलते हो चमची है तो मुझे बर्दाश्त नहीं है उनकी ये चीज़ें, है ना। जब घर में वाइफ की तबीयत खराब होती है हस्बैंड हेल्प करता है, हस्बैंड की तबीयत खराब होती है वाइफ हेल्प करती है, करती है नहीं करती है? किसके लिए करते हैं शादी? सुख दुख एक दूसरे का बांटने के लिए शादी होती है ना। तो आप लोगों से अच्छा नहीं बोला जा रहा है, आप लोग बोल रहे हो कि अभी तेरे को और क्या क्या करेगा तू, अभी तू देखते रहो क्या क्या करेगा। साथ उन्होंने जब रिश्ता बनाया है तो सुख दुख में एक दूसरे का साथ देंगे, उतार चढ़ाव हर इंसान की जिंदगी में आते हैं, ये नहीं कि भागीरथी दीदी की जिंदगी में उतार चढ़ाव आए, हर एक इंसान के जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। और इतनी बात है कि उन्होंने सोशल मीडिया पे डाल दी तो आप लोगों को तो बातों का पतंगड़ बनाना आता है ना, आप लोगों को तो पतंगड़ चाहिए बातों का। कोई ऐसा इंसान हो जो जिसके घर के अंदर कुछ नहीं हो, जहाँ पे दो बर्तन होंगे ना वहाँ पे जरूर हिलेंगे, खटखटाहट जरूर होंगी ना। किसी ने सोशल मीडिया पे ये बातें डाल दी तो आप लोग उनका जम कर फायदा उठा रहे हो। कोई बोल रहा है इसने इनका चैनल हैक कर दिया है, कोई कह रहा है इसके वजह से इनका चैनल हैक हुआ। अब जिसने कमेंट किया था परसों, जिसका भी चैनल वो हैक हुआ था, कि बिष्ट भाई ने तेरा चैनल हैक कर दिया है, तूने उसके ऊपर ऐसी वैसी जो वीडियो बनाई थी, तो उस कमेंट को लेकर भी आप लोगों ने इतने बातों का पतंगड़ बना दिया है। जो हेटर्स लोग हैं वो कहाँ अच्छे कमेंट करते हैं यार, क्या वो जो कमेंट कर रहे हैं वो सच हो जाते हैं? कोई कुछ कमेंट करेगा तो आप उस बात को सच्ची मान के गांठ पाड़ के बैठ जाओगे क्या?
आप लोगों ने परसों विष्णु भैया की वीडियो देख ली होगी, कितने सच्चे दिल वाले हैं वो, कितने साफ दिल वाले हैं। मैं भी देखती हूँ उनकी वीडियो, मेरे हस्बैंड भी देखते हैं, मेरे जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, मेरी बहन, मेरे भैया लोग सभी उनकी वीडियो देखते हैं। मैं आप बुरा मत माना, आप सभी के ऊपर ये बातें नहीं कह रही हूँ, लेकिन जो लोग उनको गाली देते थे वो वाली बात को कंप्लीट कर लेती हूँ यहाँ पे। जब बर्तन धो रहे थे विष्णु भैया, वो कहते मेरे पति वह बर्तन धो रही हैं, तो किसी ने कमेंट किया था तेरे को शर्म नहीं आ रही पति कहते हुए। क्या वो उनसे पति नहीं कहेगी तो तेरे से कहेगी क्या पति? जो भी तूने, जिसने भी ये कमेंट किया था, क्यों आएगी उसको शर्म? तेरे को क्यों नहीं आ रही शर्म ऐसे कमेंट करते हुए? तेरे को भी तो शर्म आनी चाहिए ना, तेरी उंगली कैसे उठ जा रही है ऐसे कमेंट करते हुए? गलत चीजों को क्यों नहीं देखते हो तुम? जब इंसान के साथ इतनी बड़ी दुर्घटनाएं घटती है उस टाइम तुम लोग क्यों नहीं देखते हो? उन चीजों को तुम क्यों नहीं लाते हो यहाँ कमेंट में? जो तेरे को शर्म नहीं लग रही इसको पति बोलते हुए, क्यों लगेगी उनको शर्म? मैं तो कहती हूँ तुम दोनों की जोड़ी सलामत रहे, खुश रहो, तुम दोनों हैप्पी हैप्पी रहो। और भागीरथी दीदी से ये भी कहना चाहूंगी, दीदी आप जो रील्स डाल रही थी उसमें बहुत इमोशनल वाले आपने रील्स डाले, उसके ऊपर भी गंदे गंदे कमेंट किए लोगों ने, मैंने सब कमेंट पढ़े आपके। तो यार किसी के जिंदगी का इतना भी मजाक मत उड़ाओ यार, है ना? एक ही उसी की जिंदगी में नहीं हुई है ये चीजें, बहुत सारे लोग हैं जिनकी जिंदगी में हस्बैंड के होते हुए, वाइफ के होते हुए, फैमिली के होते हुए जो लोग जूझ रहे हैं, जो लोग घरेलू जो भी वाद विवाद है उनसे परेशान है, बहुत सारे लोग हैं। किसी ने बताया तो किसी ने नहीं बताया, उन्होंने बता दिया तो आप उनकी इतनी बातों का बतंगड़ ना बनाए। तो रील्स बना रही तो कुछ ना कुछ तो उसको याद तो आ रही होगी ना, कोई शौक तो नहीं होगा उनको वैसे रील्स बनाने का? बच्चों को छोड़ के आई तो जन्म भी तो दिया है उन्होंने, अब साथ नहीं दिया तो कहीं ना कहीं ये सोचा जाता है इंसान से कि यार इतनी भी क्या बड़ी गलती होगी, जो जिसको भी मैंने पैदा किया था उसने भी मेरा साथ नहीं दिया। कुछ ना कुछ उनके दिमाग में भी चल रहा होगा, कुछ ना कुछ उनके अंतरात्मा में भी रह रही है वहां पे, लेकिन बेचैनी उनको बहुत है, मैं समझ सकती हूँ। आप ऐसे बेचैन ना हो, भागीरथी दीदी मैं आपसे कह रही हूँ, आप बिल्कुल बेचैन ना हो, खुशी खुशी अपनी जिंदगी जियो। मैं आपको खुश देखना चाहती हूँ, बस हर घड़ी आप मुस्कुराते रहो और आप दोनों की खूब ज्यादा लंबी उम्र हो, दोनों की जोड़ी सलामत रहे। बाकी रही बात जिस वीडियो के ऊपर मैंने बोला 7 मार्च को जो अपलोड की थी भैया ने वीडियो, बहुत अच्छी मेरे को वो वीडियो लगी, बहुत ही ज्यादा मैंने कमेंट भी किया था। और झुकना मत भैया, हर किसी को जवाब जरूर देना, आपकी कोई गलती नहीं है। लोग बोल रहे थे ना, तुमने एक कमेंट, हाँ ये भी आया था कि तूने दूसरे का घर उजाड़ रखा है, उजाड़ के अपनी खुशी मना रहा है ये वो करके उनके उसमें कमेंट आया था। देखिए उन्होंने दूसरे का घर नहीं उजाड़ा है, उन्होंने किसी की जिंदगी बचाई है, किसी की जिंदगी सवार रखी है। उजाड़ कहाँ रखा है उन्होंने? अगर बिष्टु भैया नहीं होते तो आज भागीरथी दीदी इस दुनिया में होती? उनका कोई सहारा नहीं था, कहीं ना कहीं से उनको दिमाग में आता कि मेरा कोई नहीं है, मैं खुद कुछ कदम उठा लूं, गलत वाला मतलब सुसाइड वाला। जब बिष्ट भैया थे तब भागीरथी दीदी की जिंदगी अच्छी खासी गुजर रही है, ऐसे गलत कमेंट ना करें। उन्होंने किसी की जिंदगी संवार रखी है, उन्होंने उतनी बड़ी जिंदगी का फैसला लिया, साथ जीने मरने का फैसला लिया। आप गलत कमेंट ना करें, सभी लोगों से मेरी यही यही निवेदन है मेरा सभी लोगों से। और हो सके तो अच्छे थंबनेल बना के उनका फायदा उठाए, गलत थंबनेल गलत टाइटल बना बना के आप लोग उनके ऊपर उनका फायदा ना उठाए। जो भी हो, किसी चीज के बारे में आपको पता नहीं है तो आप उनके बारे में इतने गलत 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 कमेंट और गलत टाइटल थंबनेल बना के वीडियो तो नहीं बना सकते हो ना। किसी की लाइफ में, किसी की फैमिली में क्यों इंटरफेयर करना हो रहा? हो सके तो अच्छा कर दो, मैं तो यही बोलती हूँ। बाकी लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगी, बिष्ट भैया आपसे मैं पर्सनल फिर से, यूं ही मुस्कुराते रहिए और यूं ही टकाटक सबको जवाब देते रहिए और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहिए, अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहिए। मैं यहाँ पे आपके, मैं क्या, हमारे सभी फैमिली मेम्बर्स आपके हर वीडियो का इंतजार करते हैं। और खुशी खुशी अपनी जिंदगी जिए और भागीरथी दीदी का अच्छे से ध्यान रखें। और भागीरथी दीदी से भी निवेदन है, आप भी हर एक इंसान को जवाब दें, आप गलत नहीं है,
कहीं आप गलत नहीं है। कौन कह रहा है आपसे गलत है? आपको खुद पता है और हमको सभी को पता है ना, जो आपके साथ बीता हुआ कल है उसको लेकर हम लोग आपके ऊपर बोल रहे हैं। जो हमने देखा, जितना भी आपने सोशल मीडिया पे देखा, वो चीजें देख के हमें, कोई आपके घर तो मैं नहीं आई थी, आप मेरे घर तो नहीं आई थी, कोई कॉन्टेक्ट नंबर तो आपका मेरे पास, मेरा आपके पास नहीं है, जो आपको मेरे को घर की बातें बताएंगी ना। मैं वही वीडियो को देखते हुए उन्हीं के माध्यम से कह रही हूँ, आप कहीं पर भी गलत नहीं है जहाँ तक मेरी सोच है। अपनी जिंदगी हंसी हंसी जिए, खुशी खुशी जिए और खूब ज़्यादा उन्नति करें, अच्छी अच्छी वीडियो बनाएं। और हर एक इंसान को जवाब देना भी जरूरी है, हर एक इंसान को जवाब देना जो तुम्हारे ऊपर गलत कमेंट करेगा, जो गलत बोलेगा, है ना। तो इसी के साथ ही छोटी मोटी वीडियो मैं यहीं पे एंड करना चाहूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं आपको जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय देवभूमि उत्तराखंड। पहला